हेलो हाय नमस्कार एंड वेलकम टू पोस्टकार्ड। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट रेट को फिर से घटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, पहले जो कि इंटरेस्ट रेट हुआ करता था 2 स्लैब में, आप सभी को पता होगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आप 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट आप रख नहीं सकते हो। 2 लाख के ऊपर का कुछ भी बैलेंस होगा तो वो आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में आ जाता था। तो इसमें 2 स्लैब रखा था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। अगर आपका बैलेंस 1 लाख रुपए तक रहता है तो आपको इंटरेस्ट मिलता था 2.25 पर एनम, और अगर 1 लाख से 2 लाख का बैलेंस आपके खाते में रहता है तो आपको मिलता था 2.5% का इंटरेस्ट रेट, जो कि आपको क्वार्टरली पेमेंट किया जाता था। तो अब इसमें कुछ चेंजेस कर दिया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। तो अगर अभी आपके खाते में 1 लाख तक का बैलेंस है तो आपको 2%, जी हाँ दोस्तों, ओनली 2% आपको सेविंग्स में इंटरेस्ट मिलेगा। और वहीं अगर आपके खाते में 1 लाख से 2 लाख का बैलेंस है तो अभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2.25। तो दोस्तों, ये एक नया एक ऑर्डर आया है 31 मई 2022 को, और ये इफेक्टिव हो जाएगा 1 जून 2022, मतलब आज से। आज ही हमने वीडियो बनाया था तो आज से ये इफेक्टिव हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक डिजिटल अकाउंट है, तो अगर डिजिटल अकाउंट में इस तरह की जो इंटरेस्ट की कटौती की गई है, इससे आपको क्या लगता है, मतलब कितना इफेक्ट पड़ेगा इंडिया पोस्ट की पेमेंट बैंक के बिजनेस पर? आपकी राय आप ज़रूर हमारे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पोस्टकार्ड। स्टे सेफ और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिए पोस्टकार्ड, ताकि और भी नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने मैं लाता रहूँ। थैंक यू।